चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मटेरियल ऑफ परमानेंट मैग्नेट हैज, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में कि परमानेंट मैग्नेट अगर होता है, परमानेंट मैग्नेट में रिटेंटिविटी और कोएर्सिविटी इन दोनों की वैल्यू हाई होती है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, दोनों की वैल्यू हाई होती है। तो कौन सा ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है ना, जैसे हम लोगों ने ग्राफ बनाया था उसका, हिस्टेरेसिस कर्व का कुछ इस तरह का ग्राफ था, उतना अच्छे से नहीं बनाया फिर भी आपको इस याद होगा, पिछले क्वेश्चन में हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ये रिटेंटिविटी है, ये कोर्सिविटी है। तो इन परमानेंट मैग्नेट के केस में मटीरियल के पास रिटेंटिविटी भी हाई होनी चाहिए और कोर्सिविटी भी हाई होनी चाहिए, ये पोर्शन बड़ा होना चाहिए, ये पोर्शन भी बड़ा होना चाहिए, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट में कोर्सिविटी छोटी होनी चाहिए, ये पॉइंट याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेट में कोर्सिविटी छोटी होनी चाहिए, ये कोर्सिविटी है, ये रिटेंटिविटी है। तो परमानेंट मैग्नेट में आपका दोनों ही हाई होना चाहिए, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट में कोर्सिविटी लो होनी चाहिए और रिटेंटिविटी हाई होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।